चलो भीड़ मत लगा बेटा, यही मुसलमान लगता है।
क्या है पूरा मामला बता दो। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंदर का रेवड़ी तालाब चौकी है, जिस एरिया में एक व्यक्ति है प्रकाश कुमार मांझी नाम का, जो नेपाल का रहने वाला है, यहाँ आकर के उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी और जो आम लोग थे उनको बिना किसी बात के उनके सर पे जो मिट्टी खोदने का फावड़ा होता है उससे सर पे हमला किया। इसमें दो लोगों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और तीन लोगों को जो हल्की बहुत चोट आई थी उनको पट्टी करा करके अभी पूछताछ की जा रही है पुलिस से। इसको गिरफ्तार कर लिया गया अभियुक्त को और पूछताछ की जा रही है ये किस मंशा से यहाँ पे ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। सर जो घायल है अभी क्या स्थिति होगी? उनमें से दो ट्रॉमा सेंटर पे है, जो डॉक्टर के कहने के मुताबिक अभी उनको एडमिट कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। अभी स्थिति बताया पाना डॉक्टर द्वारा अभी संभव नहीं है। घायलों के परिजनों से बातचीत हुई होगी, क्या बताया कि क्यों ऐसा हुआ? घायलों के परिजन बता रहे हैं कोई ऐसा कारण नहीं था, ना इस व्यक्ति को कभी देखा गया है यहाँ पे पहले, और ये अचानक से आज शाम में आता है व्यक्ति और यहाँ पे अचानक से जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे रोड पे उन दुकानदारों पे इसने हमला कर दिया, उसी में 4-5 लोग घायल हुए हैं। अभी माहौल कैसा है सर? अभी शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है पुलिस प्रशासन को, तो उनके क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो कठोरतम कार्रवाई की मांग की जा रही है जो कि मुकदमा लिख करके की जाएगी। सर ये जो घायल है वो किस कम्युनिटी के हैं? ये मिश्रित आबादी का क्षेत्र है और इसी में अभी जो लोग घायल हैं उनका बाकियों का पता करा जा रहा है और जो गंभीर घायल थे उनको हमने अस्पताल में एडमिट करा दिया। उनका नाम पता चल पाएगा जो लोग इंजर्ड है? जो लोग इंजर्ड हैं उसमें अरशद अंसार इश्तियाक और दो लोग और हैं अन्य। सर ऐसी भी खबर उठ रही है कि आपको क्या खबर उठ रही है? क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू भाई आज क्या हुआ यहाँ पे बताइए जरा। एक आदमी नाम का पागल बना हुआ था, फरसा लेकर आया है चौराहे पर मारते हुए बगल वाले अंसार अहमद को, सीधे फरसे से मारा है, इतना कस के मारा कि टोपी अंदर घुस गई थी। उसके बाद यहाँ आया है सामने पार्क के गेट के पास, एक टोपी वाले को मारा, उसके बाद अंसार चिकन साफ कटिन एक आदमी को मारा, चौराहे पर जाकर एक आदमी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, दो आदमी के पीठ पर मारा। उसके बाद पब्लिक जब इकट्ठा हुई तो उसको पकड़ी। अच्छा ये कि किन लोगों को मारा? वो खास करके किसी को? अंसार अहमद को बहुत ज़्यादा चोट आई है। वो मुसलमानों को टारगेट करके मार रहा, वो बार बार चिल्ला रहा था खाली मियां लोग को मारना है। अकेले चिल्ला रहा था? अकेले सिंगल। तो क्या उसकी पर्दा भाग नहीं बना हुआ पागल है? नारा नहीं लगा रहा था। मारने के समय यही बोल रहा था सभी मियां लोगों को मारना है। कितने घायल हैं? सब मुसलमान? सब मुसलमान हैं। वो कई दिनों से आ रहा है? ये तो एक महीने से ये चल रहा है। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, मनोज नाम का लड़का चाय वाला लुंगी पहन के आया तो वो सोचा मुसलमान है, उसको शटर उठाया उसको मारे। गुलाम नाम के आदमी है साड़ी वाले, वो दो बार उनको मार चुका है। अभी ये 4-5 दिन पहले, एक महीना से ये चल रहा है।